अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन। अपने इस YouTube चैनल पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाले इमदादी प्रोग्रामों की और इसमें आने वाले जो पेश आने वाले मसाइल के हल की। आज हम आप सबके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से वही पुरानी इल्तमास कि जो दोस्त हमारे साथ नए आए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी तमाम वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर लें ताकि हर नई मालूमात का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम महकमे में आने वाली जो अमदादी रकम है ये बेनिफिशरीज़ को यानी मुस्तहिक ख़ानदानों को लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इन लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत दिनों तक ये लोग आते रहते हैं PSO एजेंट्स के पास यानी जो शॉप्स हैं वहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत जलील होने के बाद ये पैसे उनकी पहुँच में आते हैं, उनकी दस्तरस में होते हैं और फिर बहुत सी डिडक्शंस भी जो हैं वो नाजायज़ होती हैं इनके इस अमदादी रकम में। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम महकमा जो पिछले एक साल से इस कैश जो डिपर्समेंट है पैसे मिलने का निज़ाम इसको तब्दील करने का ख्वाह था और बहुत से ऑप्शंस पे गौर भी किया गया। तो जब सबसे बेहतर ऑप्शन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम महकमे को लगा वो ये है कि इन तमाम जो मुस्तफ़ीद होने वाले घराने हैं इनका फुल बैंक अकाउंट जो है इनकी नियर बाई जो भी इनके करीब बैंक ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर खोला जाएगा। सेविंग अकाउंट जो कि इनका एक्टिव अकाउंट होगा, फुल बैंक अकाउंट होगा, इनकी जितनी भी अमदादी रकम है उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वहाँ से ना कोई डिडक्शन होगी और वो सेविंग अकाउंट होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि एक लंबे अरसे तक अगर ये अपने पैसे नहीं लेते तो अकाउंट जो है वो डिग्रेडेड हो जाएगा या बंद हो जाएगा या पैसे रिवर्स हो जाएंगे, ऐसा भी वहाँ पे कोई सीन नहीं होगा। इनके पैसे जो हैं वो इनके सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे, जब इनकी ज़रूरत होगी तब ये अपने पैसे रिसीव कर सकेंगे। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि शाजिया मरी चेयरपर्सन ऑफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नेक्स्ट आने वाली जो किस्त है यानी अगले इस साल की जो पहली किस्त होगी जनवरी फरवरी और मार्च की 3 माह की, उसमें ये जो पैसे आ रहे हैं वो पायलट के तौर पे यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सैंपल के तौर पे कुछ अजला में ये पैसे जो हैं वो अकाउंट्स में बैंक अकाउंट्स में आएंगे और उसका जो सारा मैकेनिज्म है उसको देखा जाएगा, उसका बगौर तजिया किया जाएगा। अगर ये डिपर्समेंट जो है कैश डिपर्समेंट उनको बेहतर लगी तो इंशाल्लाह तमाम बेनिफिशरीज़ के जो फुल बैंक अकाउंट्स हैं वो खोले जाएंगे और उसके ज़रिए इनको पैसे दिए जाएंगे जिससे इन्हें बिल्कुल भी खज्जल नहीं होना पड़ेगा, कोई जलालत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनके पैसे जो हैं वो ईज़िली जिस तरह दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर्स को मिलते हैं इनको भी इसी तरह मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह एक नई मालूमात के साथ एक नई वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।